दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में यह प्रश्न लेकर आए हैं, 2018 में यूपी टेट एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य जो है 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है 8 पेन का जो क्रय मूल्य है यानी सीपी, वो 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें लाभ प्रतिशत पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है यूपी टेट एग्जाम 2018 में प्रश्न आया हुआ है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बताया गया है 8 पेन का क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर किसके है, 6 पेन के विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है, तो यहां पर इसको इस तरीके से लिखना है, 8 का क्रय मूल्य, क्रय बराबर है 6 का विक्रय, इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, तो यहां पर 8 गुणे का और क्रय मतलब हो गया सीपी, इसी को लिख सकते हैं, क्रय को ही क्रय लिख लें या सीपी लिख दें कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, 6 गुणे यहाँ पर विक्रय, एसपी होता है सेलिंग प्राइस, तो इसे विक्रय लिखना चाहें तो विक्रय ही लिख लें इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये गुणे में तो इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 8 गुणे में तो इधर हो जाएगा भाग में, तो एक साइड में कर लेते हैं, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्रय अपॉन विक्रय। ठीक है, तो इधर 6 बच गया था और ये तो गुणे में था, इधर आ गया भाग में, तो यहाँ पर देखेंगे क्रय मूल्य जो रिलेट कर रहा है 6 को, ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 6, विक्रय मूल्य हो गया 8, तो यहाँ बेचने पर देख सकते हैं 2 रुपये मिल रहे हैं, जो खरीदा गया था वो 6 रुपये में और बेचने पर 2 रुपये मिल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ, लाभ कितने का हो रहा है, 2 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने रुपये का हो रहा है, 2 रुपये का। अब यहाँ पूछा गया था लाभ प्रतिशत पूछा गया था, ठीक है, तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ कितना हो रहा है, 2 रुपया, गुड़े कितना कर देंगे 100, फॉर्मूला होता है, और कॉस्ट प्राइस या सीपी कितनी थी 6, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे 6। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 2 कम 2, 2 3 6, जब 3 से इसे भाग देंगे तो आ जाएगा 3 कम 3, 3 इसे आ जाएगा 33, सही 1/3%। ठीक है, इतना इसका आंसर आ जाएगा फाइनली आंसर, तो इतने प्रतिशत का उसे लाभ हुआ, तो ये इसका राइट आंसर दिया गया था, और देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसे सॉल्व किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।